नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जून और चलिए आज की फटाफट लेटेस्ट अपडेट आपको दे देते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी खबरें मिलने वाली है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखें क्योंकि सारी खबरें इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के गाने से। जी हाँ, नाच की मलकिनियाँ जो गाना रिलीज होने वाला है मंडे को, और आपको बता दें कि इस गाने के लिए उनके फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। इस गाने के साथ एक नई चीज़ ये होने वाली है कि इस गाने का पहले प्रीमियर रखा जाएगा और फिर 11 बजे इस गाने को हम भोजपुरी पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो जितने भी खेसारी के फैंस हैं वो एक्साइटेड हो जाइए, और आपको उस दिन क्या करना है आप सभी जानते हैं, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरी खबर की तरफ। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब धीरे धीरे ही सही लेकिन फिल्मों की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, और ऐसे में ही एक खबर आई है कि पवन सिंह के हाथों से एक फिल्म फिसलती हुई नज़र आई। जी हाँ, वांटेड और सरकार राज जैसी फिल्म देने वाले डायरेक्टर ने पवन को सिर्फ अपनी फिल्म से इसलिए निकाल दिया क्योंकि पवन सिंह ने दाढ़ी बढ़ाने से मना कर दिया। जी हाँ, इसका खुलासा इस फिल्म के डायरेक्टर ने किया है और कहा है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने मनोज आर पांडे को साइन कर लिया, और मनोज आर पांडे को उन्होंने इस फिल्म के लिए 6 से 8 महीने तक बाल और दाढ़ी दोनों नहीं कटवाने दी, और मनोज टाइगर ने इस रोल के लिए बहुत मेहनत की है। आगे वो पवन सिंह के साथ कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, पवन सिंह का गाना पुदीना ए हसीना ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरी खबर की ओर। पवन सिंह का गाना हसीना ए पुदीना ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। गाने ने महज एक हफ्ते में ही 26 मिलियन का आंकड़ा पार किया है, जो कि किसी भी गाने के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इस गाने ने एक और रिकॉर्ड कायम किया था, आप सभी जानते हैं, ट्रेंडिंग 1 से उतरने के बाद फिर ट्रेंडिंग 1 पर पहुंचा था ये गाना। पवन सिंह के घर कल एक उनका एक फैंस पहुंचा जिसने अपने हाथ काट लिए थे, जिस पर पवन सिंह ने उसे फटकार भी लगाई लेकिन बाद में उसके साथ सेल्फी भी क्लिक करवाई, और लड़का बार बार यही कह रहा था कि वो पवन सिंह के चरणों की धूल चाहता है, सेल्फी तो बिल्कुल नहीं चाहता। खैर, पवन सिंह के दीवाने आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपको बता दें कि बिहार पुलिस उसके तुरंत बाद ही पवन सिंह के घर पहुँची और उन्हें 6 गार्ड मुहैया करवाई है, यानी पवन सिंह के इर्द गिर्द आपको हमेशा 6 पुलिसकर्मी दिख जाएंगे। अब इससे आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं, खेसारी लाल यादव के भाई के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया लेकिन इसमें उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे, सभी बाल बाल बच गए और कोई भी ऐसी हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक वीडियो आम्रपाली ने अपने इंस्टा से शेयर किया, जहां पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने पर दिनेश लाल यादव निरहुआ झूमते नजर आए हैं, और इसके कैप्शन में आम्रपाली ने लिखा है कि ऑल टाइम फेवरेट मूवी, ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है दिनेश लाल यादव निरहुआ का, और जिस मस्ती में दिनेश लाल यादव निरहुआ इस गाने को गा रहे हैं उसे देख कर ही ये लग रहा है कि ये इनकी ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग और मूवी दोनों है। ऐसे ही एक साथ बहुत सारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।